स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, कॉमर्स वालों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर आप कॉमर्स के लिए भी वीडियो डाल दीजिए। तो आज के इस वीडियो में अकाउंटेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जो इस बार भी आपके आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें और एग्ज़ाम में आपका अच्छा स्कोर हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपका यहाँ पे कोई चार महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताइए जिन्हें साझेदारी संलेख में अवश्य ही शामिल किया जाना चाहिए। गिव एनी फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड का आपका क्वेश्चन आता ही आता है। उन मदों को बताइए जो साझेदारी के चालू खाते में डेबिट या क्रेडिट पक्षों में प्राय प्रदर्शित होते हैं। यानी आपको बताना है जो आप क्रेडिट एंड डेबिट साइड में सेव किए जाएंगे उन चीज़ों के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट, आप देखिए सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट ही लिए हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप सभी क्वेश्चनों को जरूर देखेंगे। क्षमता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, इसको आपने देखना है। गिव एनी टू पर्पजेज और विच अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम रिसीव्ड कैन बी यूटिलाइज। यानी कोई दो उद्देश्य बताइए जिनमें के लिए अंश प्रीमियम की धनराशि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको आप देखेंगे। उसके बाद आपको ये न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है कि ABC एक कंपनी है जो क्या करती है, ब्लूप्रिंट ABC कंपनी ने ब्लूप्रिंट कंपनी से एक भवन खरीदा जो कितने का, यानी एक बिल्डिंग ली है जो आपकी कितनी 1 लाख रुपये में क्रय किया है। 10,000 रुपये का उसने नकद भुगतान दे दिया, बाकी की जो राशि है यानी जो बाकी की जो अमाउंट होगी उसको 100 रुपये प्रति वाले 10 रुपये ऋण पत्रों के 10% बट्टे निर्गमित किए जाते हैं। ABC कंपनी के पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टि यानी जर्नल एंट्रीज आपको बनानी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाला आप क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, मैं स्क्रीन को थोड़ी देर होल्ड कर रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ आपको। कह रहे एक्स एक फॉर्म में साझेदार है, वह प्रत्येक माह के अंत में 200 रुपये का आहरण स्वरूप निकालता है। यानी कहने का मंत है कि वो विड्रॉस करता है 200 रुपये हर मंथ में। उसकी जो उसकी फर्म की जो पूंजी यानी जो कैपिटल है वो 8,000 रुपये है। उसने फर्म को 1 जुलाई 2016 को 4,000 रुपये का क्या क्या ऋण दिया। पूर्ण आहरण और ऋण पर ब्याज की दर कितने है, 5% प्रतिवर्ष है। पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद होती हैं। ब्याज की राशि क्या होगी, इसको आपको गणना करके बताना है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप देखेंगे, हेमा और प्रेमा समान लाभ बांटते हैं, वे साझेदार हैं। वे सीमा को लाभ का 1/4 हिस्से में प्रवेश देते हैं। सीमा अपने 1500 ख्याति के प्रीमियम में से 1,000 रुपये प्रीमियम नकद देती है, फिर बाकी की जो ख्याति है वो 8,000 रुपये पूर्व से में ही क्या कर दी जाती है, प्रदर्शित कर जाती है। तो रोजाना मंचा की प्रविष्टि आपको बतानी है यानी जर्नल एंट्री आपको बतानी है। ये जो मैं आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, इसी टाइप के न्यूमेरिकल को आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। इसी तरीके की न्यूमेरिकल की जो एंट्री है आपको तैयार करनी है, एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे आप। आकाश लिमिटेड ने 1 जनवरी 2016 को 1,000 वाले 2,000 ऋण पत्र 50% ऋण पत्र की कटौती पर निर्मित किए। धनराशि का कुल जो रुपीज़ आवेदन है वो 2,200 रुपये है और 400 रुपये वाले जो आवंटन पर शेष प्रथम व अंतिम याचना पर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आकाश लिमिटेड की पुस्तकों की आवश्यक जो जर्नल एंट्रीज होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, इस तरीके के न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं और ये आपका एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ड्यूरिंग ईयर 2012। तो इसमें थोड़ा सा आप चेंजेस देख लेना, न्यू ईयर में जो है आपका जो पेपर होगा अभी उसमें हो सकता है कि ईयर को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाए क्योंकि अकॉर्डिंग टू पुरानी बुक के हुआ होगा। ठीक है, तो न्यू बुक में आपका ये ईयर चेंज है। तो इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप देखेंगे, 100 रुपये प्रत्येक 1 लाख रुपये के जो है 6% यानी 6% ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन और सममूल्य पर मोचनी है, ये आपको दिया है। यहाँ इंग्लिश में भी आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इशू ऑफ 1,06% डिवेंचर ऑफ 100 रुपये ईच पर रिडीमेबल एट पर। ठीक है, सेकंड उसमें लिखा है इशू ऑफ 1,06% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ऑफ डिस्काउंट 5% बट रिडीमेबल प्रीमियम कितना है, 5% है। ऊपर वाले में आप देखेंगे 6% है, ऊपर इसमें जो आप प्रीमियम भरेंगे उसका कितना रहेगा, 5% रहेगा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सिर्फ क्वेश्चन को टिक करते रहिए, इनके सॉल्यूशन भी मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, एक समिति दायित्व कंपनी ने 5,000 समता अंश के रुपीज़ 10 रुपये प्रति अंश की दर से
₹2 प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए, इनके निम्नानुसार धनराशि दे है। यदि आवेदन पर जो है ₹2 प्रति अंश दिया गया है, आवंटन पर ₹5 प्रति अंश, दो प्रीमियम सही थे। प्रथम याचना पर 2% प्रति अंश मिला है, द्वितीय अंतिम याचना पर ₹3 प्रति अंश मिला हुआ है, ठीक है। कंपनी जो है 6,500 अंशों के लिए आवेदन करती है, 500 अंशों के आवेदन निरस्त हो जाते हैं, यानी जो बचे हुए 6,000 ही बचे हैं आपके यहाँ पे खाली। जो शेष आवेदक जो है अनुपातिक आवंटन किया जाता है, 500 अंश के लिए अंशधारी अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया गया है, अतः उसके अंशों को जब्त कर लिया जाता है। जब्त किए गए अंशों को ₹7 प्रति अंश की पुनर्निर्मित किया जर्नल एंट्री आपको बनानी है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले अभी नीचे वाले इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिखा रहा हूँ मैं, तो हिंदी मीडियम वाले इस क्वेश्चन को देख लें और अपनी बुक में इसे टिक कर लेंगे, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ नीचे इंग्लिश मीडियम वाले भी इस क्वेश्चन को देख लें अगर उन्हें हिंदी में समझ नहीं आया है तो, ठीक है। इस तरीके लाइबिलिटीज़ अमाउंट और एसेट्स और अमाउंट्स वाले क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर देखेंगे इन क्वेश्चनों को। और अब ये भाग खा के लिए आ गया है, तो भाग खा में जो है आपका थ्योरेटिकल पोर्शन आ जाएगा, जैसे रोकड़ प्रवाह का विवरण के कोई दो उपाय बताइए, एक्सप्लेन एनी टू यूजेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड सेकंड जो है गिव द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, निम्न के अनुपातों के गणना सूत्र को लिखिए, इसको आपको लिखना है, ठीक है। जैसे में डेट इक्विटी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, प्रॉपर्टी रेशो, एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल रेशो, ये आपको बताना है। इस तरीके से ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल भी यहाँ देखने को मिल रहा है, 20 न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, जिसमें करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट से आपका न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप 21 वाला देखें, इसमें कुछ एंट्री आपकी मिसिंग है, इनको आपको फिल करके कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यही था आज के इस वीडियो में, मैंने जो अकाउंट्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने थे, तो आज के इस वीडियो में अकाउंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल गए हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन का आपको प्रिपरेशन करना है, इसके बाद अकाउंट्स के मैं और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपलोड करूँगा, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ, थैंक यू।